हे गाइस, क्या हाल, आपके स्वागत है BGMI या PUBG Mobile के एक और वीडियो के अंदर। सो गाइस, इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपना हॉरिजॉन्टल रिकॉल किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। सर, वीडियो एंड तक देखना, आप लोगों के लिए काफ़ी तगड़ी तगड़ी ट्रेनिंग ड्रिल्स में लेके आया हूँ गाइस आज। और भाई ये देखो यार, पबजी मोबाइल का भाई क्या ही नया वाला भाई ये फीचर है, काफ़ी अच्छा लगता है यार मेरे को, देखो किस तरीके से डोल रहा हूँ मैं। सो गाइस, सबसे पहले यार बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिकॉइल होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा वर्टिकल रिकॉइल, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। तो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल होता क्या है गाइस, अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये देखो, इसको कहते हैं वर्टिकल रिकॉइल, ठीक है, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। ठीक है, समझ में आ गया। एक है भाई सीधी लाइन, एक है लेफ्ट राइट वाली। अब जो वर्टिकल रिकॉइल है ना आपका, ये काम कहाँ पे आता है, जब अगर मान लो कोई सीधा बंदा खड़ा है तो उसको मारने के लिए वर्टिकल रिकॉइल, लेकिन अगर कोई बंदा भाग रहा है या फिर आप किसी कार पे स्प्रे दे रहे हो तो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल वहाँ पे काम आता है। अब गाइस, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो रखा है कि यार आपके सामने कोई बंदा है ओपन फील्ड में भाग रहा है और आप लोग उस पर स्प्रे दे रहे हो, लेकिन आप लोगों का जो स्प्रे है ना भाई वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, बंदे ट्रेस करने की बात आ रही है, स्प्रे भाई कनेक्ट नहीं हो रहा, सामने से भाई गाड़ी गुजर रही है आप उस पर स्प्रे दे रहे हो लेकिन स्प्रे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो गाइस, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सारी सॉल्व हो जाएंगी, बस ये एंड तक देखना वीडियो। भाई ड्रिल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, काफ़ी तगड़ी ड्रिल्स हैं, और इस ड्रिल को अगर आप कर रहे हो ना तो भाई कुछ चीज़ें आपको ना ध्यान में रखनी है। नंबर वन चीज़ भाई कि हमेशा ना स्कारल यूज़ करो, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए अगर आप स्प्रे दे रहे हो ना, क्योंकि स्कारल काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल गन है भाई, उससे अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग आपकी होगी। ठीक है, दूसरा सारे स्कोप भाई हम यूज़ करने वाले हैं अपने, 4x हो गया, 3x हो गया, जितने भी है सारे स्कोप की भाई अभी हम ट्रेनिंग करेंगे। तीसरा गाइस कि आपको अपनी गन में कोई भी अटैचमेंट नहीं लगानी है, ठीक है, कोई भी अटैचमेंट आप लोगों को कोई भी नहीं लगानी है, बस अपना ये जो एक्सटेंडेड मैग होता है इसको लगाओ और फिर यहाँ पे आ जाओ, ये जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग वाला सेशन है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाएंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फुल मैंने कर रखा है, अभी हम रेड डॉट की ट्रेनिंग करने वाले हैं, इसको भाई आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे 60 मिनट तक के जो टारगेट्स हैं वो कर रखे हैं, हेल्थ फुल है, मूवमेंट फुल है मेरी, ठीक है, हेलमेट और वेस्ट लेवल 3 के इफेक्टिव पार्ट्स वो सब पे सेव कर देना इसको, ठीक है, और भाई स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग है ना, ये भाई हम रेड डॉट के लिए करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, आप लोगों को इस तरीके से टारगेट्स दिखेंगे, इन पे आप लोगों को स्प्रे देना है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, नॉर्मल है। अब ये काम कहाँ पे आएंगे, जैसे मान लो यार अगर आप रेड डॉट से गाड़ी पे स्प्रे दे रहे हो या फिर सामने बंदा भाग रहा है उस पर अगर आपको कनेक्ट करनी है ना गोली, ये देखो मान लो सामने इस तरीके से बंदे भाग रहे हैं, ऐसे भाई आप लोगों की गोली कनेक्ट नहीं होती कई बार, तो भाई वहाँ पर ये काम आने वाला है, ठीक है, इस तरीके से देखो। तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग गन्स भाई यूज़ करनी है जो कि हार्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैठ के मैं रिकॉइल वो नहीं कर रहा, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, खड़े होकर स्प्रे दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी खड़े होकर स्प्रे देना है। बैरल से भी प्रैक्टिस करो, ये देखो भाई बैरल से तो हेड ही हेड लग रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है बैरल से, तो बैरल से भी और AKM से भी भाई प्रैक्टिस करो क्योंकि ये हार्ड गन है, ठीक है। तो गाइस पहली ड्रिल ये है आपकी, दूसरी मैं अब आपको बताता हूँ। तो गाइस दूसरी ड्रिल जो होने वाली है 3x के लिए, आपको अगेन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाना है यहाँ पे, और अगर आप कस्टमाइज़ कर रहे हो तो भाई इस तरीके से होने चाहिए आपके बोर्ड, एक 60 मीटर एक 90 मीटर, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं छेड़नी, बस डिस्टेंस आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है 90 मीटर। और एक बात हमेशा याद रखो भाई, एक बात मैं आपको गारंटी अभी दे रहा हूँ, अगर आपने ये जो ड्रिल मैं बता रहा हूँ ना अभी आधे घंटे कर लिया या फिर 20 मिनट भी कर लिया ना, तो भाई क्लासिक में आप लोगों को फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा भाई। अगर महीने भर आपने ये कर लिया ना डेली 10-10 मिनट भाई, तो मजाक से हट गया भाई, गॉड बन जाओगे गॉड, ठीक है, स्प्रे देने के लिए गॉड बन जाओगे आप, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप भाई ये आधा घंटा करो आज, ठीक है, फिर उसके बाद देखना, अब यहाँ पे आओगे कमेंट करोगे सीधा कि भाई हाँ भाई कंट्रोल हो रहा, काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और आपको जो वर्टिकल रिकॉइल है ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भाई सुधार आएगा ये ड्रिल करने से। तो यार सिंपल है, देखो सामने देखो आपको टारगेट दिख रहा है, यहाँ पे यार मैं इनको घेरने की कोशिश कर रहा हूँ बिना कोई अटैचमेंट के, स्कारल है मेरे पास, ठीक है, स्कारल और बिना अटैचमेंट के कर रहा हूँ मैं। और भाई अगर मेरे हाथ में M4 होगी तो यार और भी काफ़ी अच्छा स्प्रे जाएगा, और अटैचमेंट होगी तो भाई फिर तो यार सारी बुलेट्स जो हैं भाई कनेक्ट होने वाली हैं। और अगर आपको थोड़ा और हार्ड करना है तो आप क्या कर सकते हो यार, जो आपकी बैरल है ना आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब गाइस जो लास्ट ड्रिल है वो होने वाली है 4x के लिए, आप लोगों को क्या करना है 120 मीटर वाला भी सिलेक्ट कर लेना है इस बार, 90+120, ठीक है, इसको स्टार्ट कर देना। अब गाइस हम 4x से ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, सेम ड्रिल है आप लोगों को, देखो इस तरीके से 4x। अब गाइस एक चीज़ और, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार अटैचमेंट कौन सी लगानी है, ठीक है, ये वो, तो अटैचमेंट वाली जो बात है ना यार, स्कारल में जो सबसे बेस्ट मेरे को लगती है वो होती है वर्टिकल ग्रिप, ठीक है, क्योंकि स्कारल अप डाउन ज़्यादा करती है, लेफ्ट राइट इतना नहीं करती लेकिन अप डाउन ज़्यादा करती है, या तो वर्टिकल ग्रिप या फिर हाफ ग्रिप स्कारल में अगर आप M4 चला रहे हो तो यार उसमें तो एंगल ग्रिप ही लगाना, ठीक है, वर्टिकल भूल के भी मत लगाना। इससे यार इस टॉपिक से रिलेटेड भाई मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, कि
वर्टिकल रिकॉइल क्यों नहीं लगा, वर्टिकल जो ग्रिप होती है ना वो क्यों नहीं लगानी चाहिए M416 में, ठीक है। तो यार वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि यार वीडियो फालतू में लंबी हो जाएगी भाई, इतना नेट भी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो जितने भी बंदे नए हैं ना सब सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो गाइस आने वाली है 4X के लिए, आप लोगों के लिए मैंने दिखा दी, 2X के लिए, 2X कह रहा हूँ भाई, 2X कौन चलाता है कमेंट करके बताना अगर आप में से कोई 2X चलाता है तो, ठीक है। और आप लोगों का रेड डॉट मैंने बता दिया, 3X बता दिया। अब गाइस जो अटैचमेंट वाले टॉपिक है ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे ये देखो यार एक बार जरा, ये देखो M416 से अभी देखो थोड़ा से मैंने ट्रेनिंग की थी 4X की, अब मैं M416 लेके आ रहा हूँ ना तो स्प्रे देखो भाई, मतलब मक्खन स्प्रे जा रहा है पूरा बंदे उस पर लग रही है बोर्ड पे, वो भी अटैचमेंट है भी नहीं M4 में, ठीक है। वो बैठ के मार रहा था, मैं खड़े होकर हल्की सी डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन भाई बैठ के तो जरा सी भी नहीं हो रही, ठीक है। देखो क्राउच करके, यही मैं कह रहा था भाई, अगर आप थोड़ा सा वो करोगे ना मतलब खड़े होकर स्प्रे दोगे ट्रेनिंग में, लेकिन अगर आप क्लासिक पे बैठ कर थोड़ा सा मतलब अपने अटैचमेंट लगा दिया आपने भाई, जीरो रिकॉयल है पूरा, ठीक है, देख लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना जितने भी नए बंदे हैं, नेक्स्ट वीडियो अटैचमेंट के ऊपर होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।